हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे दिल्ली पुलिस एमटीएस का एक एग्ज़ाम रिव्यू। यह एग्ज़ाम 19 दिसंबर 2018 को कंडक्ट हुआ था। जीके जीएस के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोली चलाने समय चलाने वाले पीछे की ओर धक्का खाता है क्यों? तो ये न्यूटन के तृतीय नियम के कारण। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन। भारत का बिस्मार्क कहलाते हैं? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। पानीपत का तृतीय युद्ध? तो ये 1761। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो ये है समुद्रगुप्त से। प्राथमिक रंग कौन सा रंग होता है? तो ये लाल, हरा, नीला। गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ये अवतल दर्पण। यदि साइड मिरर पूछता तो उत्तल दर्पण। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये असम राज्य में। मालों का शहर कहलाता है कोलकाता। कूका आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये बाबा राम सिंह कूका द्वारा। पौधों की वृद्धि किस हार्मोन से होता है? तो ये ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एसबीआई के सीईओ कौन है? तो ये रजनीश कुमार। पाकिस्तान के पीएम कौन है? तो ये इमरान खान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। शिलोंग की राजधानी? तो ये शिलोंग कहाँ की राजधानी है? तो ये मेघालय की। 2018 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये AR रहमान। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, GST भारत में पहले कहाँ लागू हुआ था? तो ये असम राज्य में। नींबू का pH वैल्यू कितना होता है? तो 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 का मिस वर्ल्ड कौन थी? तो ये वेनिसा पोंस। इतिहास के पितामह किसे कहा जाता है? तो हेरी डॉट्स को। आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है? तो ये रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो ये 159 लीटर। वायुमंडल में ऊपर जाने पर हवा का दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये कम होता है। RBI के डिप्टी गवर्नर कौन है? देखिए, उस टाइम थे महेश कुमार जैन, अभी हाल में करंट में है माइकल पत्रा। नमस्ते सालूम पत्रिका के लेखक कौन है? तो ये तरुण विजय। अम्मा गांव अम्मा विकास योजना किस राज्य से जुड़ा है? तो ये ओडिशा राज्य से। सबसे हल्का तरल धातु? तो ये मरकरी है। पिंच प्लेंट किसका अयस्क होता है? तो ये यूरेनियम का। 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा? बकिंगम इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुब्बारे में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये हीलियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।